तो अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में, तो जैसा कि हमने सीखा था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनमें आता है मॉलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, क्लोरीन, बोरॉन, आयरन। तो ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट में ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आयरन के बारे में। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन एब्जॉर्ब किया जाता है फेरिक आयंस की फॉर्म में, यानी Fe+3 आयंस की फॉर्म में। दूसरा जो आयरन है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उन सभी प्रोटीन्स का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं, जैसे कि हो गया साइटोक्रोम्स या फेरोडॉक्सिन्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक इमेज जिसमें हमने आयरन हाईलाइट किया है। ये एक साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर है जिसमें आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें रेस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, तो उसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें जो आयरन है वो रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+2 से Fe+3 की फॉर्म में ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इसी के साथ साथ हम बात करें जो आयरन है वो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम की हम यहाँ बात करेंगे जिसका नाम है कैटलेज। तो कैटलेज जो इनएक्टिव एंजाइम है वो फाइनली कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके एक्टिव फॉर्म में आयरन की मदद से। इसी के बाद अगर हम बात करें जो आयरन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। अभी तक हमने सीखा था एक मैक्रोन्यूट्रिएंट मैग्नीशियम के बारे में जो क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ हम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी बात करते हैं जो कि है आयरन, जो इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को बनाने में। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जिसका नाम है मैंगनीज। जो मैंगनीज है वो एब्जॉर्ब होता है Mn+2 यानी मैंगनस आयंस की फॉर्म में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में जो कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन करने में मदद करते हैं। ये एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलेसिस, ऑक्सीडेजिस, डीहाइड्रोजिनेसिस एंड काइनेसिस। तो ये कुछ एंजाइम्स के नाम हैं जो कि मैंगनीज एक्टिवेट करने में मदद करता है, और ये एंजाइम्स मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करने में या रेस्पिरेशन की रिएक्शंस को परफॉर्म करने में। इसके बाद अगर हम बात करें मैंगनीज के बारे में, तो मैंगनीज का एक बेस्ट डिफाइंड फंक्शन आता है, और वो बेस्ट डिफाइंड फंक्शन है फोटोलिसिस ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन, यानी जो वाटर यूज़ किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में उसे तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। अगर हम यहाँ पर उस रिएक्शन को देखें, तो जैसा कि आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है, हम लेते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, मैंगनीज आयन यूज़ किया जा रहा है जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर करके जनरेट कर रहा है ऑक्सीजन। जो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में, उनकी स्प्लिटिंग होती है इस मैंगनीज आयन की मदद से और अल्टीमेटली लिबरेट होता है ऑक्सीजन। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जिसका नाम है जिंक। जिंक एब्जॉर्ब किया जाता है Zn+2 आयंस की फॉर्म में। अगर हम बात करें प्लांट सेल के अंदर, तो जिंक बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, तो फाइनली जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं एक्टिव एंजाइम की फॉर्म में। और अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा कार्बोक्सिलेजिस। तो जो कार्बोक्सिलेजिस है वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एंजाइम्स का जो कि एक्टिवेट किए जाते हैं जिंक आयन की मदद से। इसी के साथ साथ जो जिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सिन यानी प्लांट हार्मोन को सिंथेसाइज करने में। ऑक्सिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि शूट टिप और रूट टिप्स पे प्रेजेंट होता है और ओवरऑल इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ ये सेल इलोंगेशन में भी मदद करता है, और जो स्टेम होती है वो बेंट होती जाती है सनलाइट की डायरेक्शन में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, हमारा दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट है कॉपर। कॉपर एब्जॉर्ब किया जाता है Cu+2 आयंस की फॉर्म में, यानी
क्यूप्रिक आयंस की फॉर्म में। कॉपर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है प्लांट का, और आयरन की तरह ही ये बहुत सारी रेडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। याद कीजिए, जैसे हमने आयरन के बारे में पढ़ा था कि जो आयरन है वो रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसी तरीके से जो हमारा कॉपर है वो भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है CU+ से CU+2 की फॉर्म में।